हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अदिति। सो आज मैं अपना इयररिंग कलेक्शन दिखाने वाली हूँ कि मैंने कितना सारा इयररिंग कलेक्ट करके रखा हुआ है और कितने साल पुराने हैं और कितने नए हैं। आज सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ और बहुत ही प्यारे हैं सारे इयररिंग्स। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने इतने सुंदर सुंदर रखे हुए हैं। बस अभी तक कलेक्ट करके रखा है, ज़्यादातर ज़्यादा मतलब मैंने इसे पहना नहीं है, कुछ ही पहना है ऐसा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार। और जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है अभी तक, उनको बहुत बड़ा वाला थैंक्स मैं यही कहना चाहूँगी। और आगे भी आप लोग सपोर्ट करो, बस यही चाहती हूँ मैं। और तो चलो फिर दिखाती हूँ इयररिंग्स। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करके रखा है। तो एक एक करके दिखाती हूँ मैं पहले। तो फर्स्ट मैं कौन सा दिखाऊँ, सिंपल से स्टार्ट करती हूँ। सबसे सिंपल ये वाला है, बस कुछ नहीं है, बस ये सिंपल सा है, गोल सा। और ये बहुत लोगों के पास होगा, तो बहुत लोग बड़ा भी यूज़ करते हैं, बट मैं इतना छोटा वाला यूज़ करती हूँ। ज़्यादा छोटा नहीं है बट थोड़ा सा बड़ा है, तो एक मैं ये यूज़ करती हूँ। और एक ये, जो कि ये बहुत ही मतलब चला था अभी फ़िलहाल में, तो मैं एक मीशो का जब रिव्यू कर रही थी तो फिर उसमें भी एक इयररिंग इस टाइप का मंगाई थी मैं। तो ये तो मेरी फ्रेंड लाके दी है सरोजनी से, तो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने वहीं से मंगवाया था, सरोजनी से। वो वहाँ रहती है तो वो गई थी तो मैं उसको बोली कि लेते आना। तो और एक और जो है वो मेरी फ्रेंड दी है, ये वाला भी उसके साथ ही। ये वाला भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, देख सकते हैं आप, सीप वाला है। अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा सामने कर देती हूँ, दिख ही नहीं रहा है। कुछ इस तरीके का सीप वाला है, वाइट कलर का, जो कि अच्छा है, बहुत ही क्यूट है। और इस टाइप का मेरे पास सीप वाला दो है मेरे पास, दिखाती हूँ मैं एक एक करके, देख सकते हैं आप। और ये वाला बहुत ही प्यारा लग रहा था, देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। ये वाला एक वाइट कलर का है ये, ठीक है। और हाँ, उसी उसके जैसा है, इसके जैसा एक और है मेरे पास, बस वो सीप वाला नहीं है, मोती वाला। तो मैं जो अभी खुला हुआ है ना, मैं वो सिर्फ दिखा देती हूँ पहले। और ये वाला एक न्यू पैटर्न में मैं खरीदी हूँ, मतलब कुछ यूनिक लगा मुझे ये सीप वाला है, ऐसे देख सकते हैं आप। तो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये वाला भी मैं ले ली। ये मुझे 40 का मिला, ये मुझे 40 का मिला, पर देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये सीप वाला। और यहाँ मोती भी लगाया हुआ इसके अंदर, देख सकते हैं आप। और इसके साथ एक और मैं खरीदी, दोनों ही मुझे 40-40 का मिला। वो वाला भी बहुत ही प्यारा है, ये वाला भी मुझे बहुत ही सुंदर लगा, देख सकते हैं आप। ये भी सीप वाला है, जो आता है ना समुद्र में आता है छोटा छोटा, वो वाला है। और इसके ऊपर मोती लगाया हुआ है, देख सकते हैं कितना क्यूट है यार ये वाला। और थोड़ा सा साउंड भी कर रहा है। और ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये मैं खेतान से ली हूँ, जो कि पटना में है। जो लोग रहते होंगे वो जाते भी होंगे वहाँ पे। तो ये देखिए, ये वाला भी सूट पे पहनो तो बहुत अच्छा लगेगा, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये भी मैं ले ली। और ये तो हो गया। और एक ये, सबका रेट तो नहीं बता सकती, ये जो दोनों था ना, ये वाला, ये मुझे 30-30 का मिला था, ठीक है। और इसका तो पता नहीं, क्योंकि हो सकता है ये 30 या 20 का मिल जाए मार्केट में कहीं भी, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, तो ये सब टूटता थोड़ी ना है, हो सकता है कलर डाउन हो जाए। बट मेरा ना ग्रे कलर में था, देख सकते अभी का वैसा ही है। गोल्डन का थोड़ा सा कलर डाउन हो जाता है, ठीक है, और बाकी ये सिल्वर वाले का उतना नहीं होता।
और एक ये वाला जो कि मैं ना हमेशा इसको सूट के ऊपर पहनती हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है, या फिर कुर्ती के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। देख सकते ये वाला मेरा बहुत पुराना हो गया, एक मेले में से ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। ये ऐसा वाला इयररिंग बहुत चला था तो उस टाइम मैं ली थी, और अभी तक वैसा का वैसा ही है, इसका भी कलर डाउन नहीं हुआ। तो ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा, ये वाला मुझे थोड़ा महंगा मिला था क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे मेला अगर लगता भी है ना तो यहाँ पे कोई भी चीज़ सस्ता नहीं मिलता। देख सकते यहाँ पे लगा हुआ है कितना प्यारा है। और एक ये जो आप लहंगे के ऊपर भी पहन सकते हो, और क्या बोलते हैं सूट के ऊपर भी पहन सकते हो, साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हो, वो ये वाला है देख सकते। और ये मतलब पुराना हो गया बट इसका अभी तक साइनिंग भी नहीं गया है, देख सकते हैं कितना साइन कर रहा है। और एक ये मैं 35 का खरीदी थी, पटना से ही खरीदी थी मैं इसको भी 35 का, देख सकते हैं ये लाइट की वजह से ना दिख नहीं पा रहा। अब तो मैं पहले रिंग लाइट यूज़ नहीं करती थी मैं, तो पहले मैं क्या यूज़ करती थी दिखाऊंगी तो भी मुझे शर्म आएगा, बट कोई नहीं मैं फिर भी बता देती हूँ। एक पुराना सा लैंप था कुछ इस तरीके का, सोचो मैंने इस चीज़ से वीडियो स्टार्ट किया है बनाना तो पहले नहीं दिखता था ढंग से, पर अब मैं रिंग लाइट ले ली हूँ तो भी नहीं दिख रहा यार, मैं क्या करूँ ढंग से नहीं दिख पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको दिख जाए, देख सकते कुछ इस टाइप का है। ये भी सूट पे पहने हो या फिर नॉर्मल सा लहंगा आता है ना चंदेरी वाला, चंदेरी सिल्क वाला, उस टाइप का एकदम सिंपल सिंपल सा होता है ना, उस टाइप पे भी आप पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और ये है मेरा पार्टी वियर, तो ये भी मैं दिखाती हूँ। ये वाला मैं मेसो से ली थी, ठीक है, तो इसका मैं रिव्यू की थी तो ये मैं रखी हुई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। और मेरे पास इसमें का ड्रेस भी था, तब ब्लैक कलर का था मेरे पास ड्रेस, तो मैं इसको रखी हुई थी। ये देखिए ये वाला आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाला कैसा लगा, ठीक है। तो अगर ये वाला भी आपको चाहिए होगा ना तो इसकी कोड ना मैं दे दूंगी, क्योंकि ये मैं पहले मंगा चुकी हूँ ना, तो ये मेसो से ही मंगाई थी इसलिए कोड दे सकती हूँ मैं इसका। देख सकते ये वाला भी बहुत अच्छा था, तो देख सकते ये वाला है सीसा का, प्लास्टिक का नहीं है सीसा का, देख सकते तभी साइनिंग इतना कर रहा है। तो ये थोड़ा ये वाला जो ऐसा वाला इयररिंग होता है ना थोड़ा महंगा आता ही है, तो इसको मैं रख देती हूँ, अभी मैं यही रख देती हूँ। और तो ये वाला एक है मेरे पास, एक सेकेंड फंस गया। तो एक ये वाला इयररिंग है, तो ये वाला भी बहुत चला था तब मैं ली थी इसको, और ये वाला भी सूट पे बहुत अच्छा लगता है, देख सकते। तो यही वाला बोल रही थी कि मैं मेरे पास इस टाइप का एक और है, जैसे ये वाला में सीप लगा हुआ है, ये वाले में देखिए ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, और इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है, देख सकते हैं ये वाला थोड़ा सा हैवी हैवी नहीं है, बस लगता है कि हैवी है, थोड़ा बड़ा है ना इसलिए। तो ये है मेरे पास, और एक गोल्डन कलर का, ये मेरे पास गोल्डन कलर का है, और इसके साथ ये वाला है, मैं लगा कर दिखाती हूँ। आप क्या बोलते हैं थोड़ा हैवी गाउन होता है उसके ऊपर भी पहन सकते हो आप, और या फिर सूट पे भी बहुत अच्छा लगेगा ये वाला, देख सकते कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये मैं ज़्यादातर जब हैवी इयररिंग लेना होता है ना लहंगे के लिए, या फिर लहंगे के लिए ही ज़्यादातर, तो लहंगे के लिए जब भी इयररिंग लेना होता है ना तो मैं होलसेलर दुकान में जाती हूँ। आप लोग भी अगर ये क्या बोलते हैं शादी वादी के लिए भी लेना होगा ना क्या बोलते हैं इयररिंग, तो आप लोग कोशिश करना कि होलसेलर दुकान में जाओ, वहाँ सस्ता भी मिल जाएगा और आपको ढेर सारा कलेक्शन भी मिल जाएगा। और बाकी ये सब जैसा इयररिंग है ना, ये सब फुटपाथ पे ही लेते हैं लोग, और मैं भी यही करती हूँ, कोई
दुकान में नहीं जाती हूँ, और ये इस टाइप का आपको दुकान में नहीं मिलने वाला, थोड़ा सादी वाला मिलता है या फिर कुछ इस तरीके का आपको दुकान में मिल जाएगा। ये इस तरीके का जो इयररिंग है वो दुकान में आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर ये सब फुटपाथ पे से या फिर मेले में से ही लेती हूँ, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है क्योंकि सारे लोग वही करते हैं। तो बाकी ये सब मैं होलसेलर दुकान से लेती हूँ। तो इसका मेरे पास दोनों पेयर है, देख सकते हैं। तो ये वाला तो निकलना नहीं है, मतलब निकाल के रख भी सकते हो, या फिर आपको ये सिंगल पहन सकते हो या फिर इसके साथ भी पहन सकते हो। तो एक ये वाला है मेरे पास, और ये मेरे पास चॉकलेट का डब्बा था, इसमें चॉकलेट आया हुआ था, तो इसमें चॉकलेट पैक रहता है पहले से, तो चॉकलेट खा गई और डब्बे रखी हुई हूँ। तो इसी में मैं अपना कुछ कुछ इयररिंग्स डाल के रखी हूँ, और एक ये, तो ये वाला मैं दिखाती हूँ। यार मैंने तो कुछ ढंग से रखा ही नहीं है, बस यूं ही रख दी हूँ, तो कोई नहीं, पर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो मेरे हाथ में है ना, ये है ब्रेसलेट। एक सेकेंड यार, मेरा तो पूरा फंस ही गया। तो ये है मेरे पास ब्रेसलेट, देख सकते हैं। ये कुछ आप पार्टी वियर, एक मेरे पास इस टाइप का है बट वो सिल्वर कलर का है, और उसमें एकदम छोटा छोटा है स्टोन लगाया हुआ है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा है, देख सकते हैं आप। और एक मेरे पास ये वाला है, ये छोटा सा बहुत ही प्यारा लगेगा, और ये आप जींस पे भी पहन सकते हो या फिर कुर्ती पे या फिर सूट पे भी पहन सकते हो, बहुत प्यारा है ये वाला, देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो ये वाला भी मैं खेतान से ली थी, पटना से। और एक और है, और एक ये वाला, अरे एक ये वाला है मेरे पास कुछ इस टाइप का, जो थोड़ा सा साउंड भी कर रहा है बट ये भी बहुत ही प्यारा है, देख सकते हो। और ये वाला एक और इयररिंग है मेरे पास, ये वाला जो देख सकते हो, ये कितने साल पुराना हो सकता है, कम से कम 5 या 6 साल पुराना, और अभी तक इसको रखी हुई है। इसका थोड़ा सा कलर डाउन हो गया है बट रखी हुई हूँ यार, कोई फेंकता नहीं है, कोई फेंकता नहीं है, बस रखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी रख देता है, पहनना हो चाहे ना हो, सजा कर रखे हुए रहते हैं कि हाँ भाई मेरे पास इतना सारा कलेक्शन है। ये वाला है कुछ इस टाइप का, ये वाला भी है, ये भी कम से कम, हाँ ये 3 साल पुराना है, तो अभी तक इसका कलर डाउन नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, अभी भी शाइनिंग कर रहा है ये। तो ये भी मैं मार्केट से ही ली थी, तो ये वाला भी बहुत प्यारा है। और ये वाला, ये ग्रे कलर का है, देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट की वजह से दिख नहीं रहा बट ये ग्रे कलर का है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं साइड कर दूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रे कलर का है ये, और ये वाला 1 साल पुराना है, ये मैं किसी एक ग्रे कलर का उस पे ली थी ये वाला। और एक और है मेरे पास ये वाला, ये एकदम सिंपल सा है, ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ज्यादा तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल है। और एक ये वाला है, ये वाला तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, यूं ही देख सकते हैं, बस नीचे में रंगीन टाइप का है और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही था मेरे पास। इयररिंग को सबसे बेस्ट कौन सा इयररिंग लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और सो आज के लिए इतना ही, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सो ऐसी मैं वीडियो लाती रहूँगी, और अगली वीडियो होने वाली है
मैं मीशो से दो लहंगा मंगाई हूँ, सो उम्मीद है कि वो लहंगे भी आपको बहुत पसंद आएंगे, तो वो वाली भी वीडियो देखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।